हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पहले वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बट काफ़ियों ने देखा लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम ने किया। तो अगर कोई वापस से देखेगा असली मेरा ये सेकेंड ब्लॉग, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, दैट विल बी रियली अप्रिशिएटेड। एंड आज बेसिकली हमारा पहला दिन है कॉलेज का, हमारी क्लासेज आज से रिज्यूम हो रही है। देखते हैं ऑफलाइन क्लासेज में कैसा जाएगा, ऑनलाइन में तो बहुत मजे आ रहे हैं, अब ऑफलाइन में मेन पढ़ाई करेंगे एंड देखते हैं कैसा दिन जाता है। सो क्लास में मिलते हैं। खा मखा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो पहली क्लास ख़त्म, अभी भाग रहे हैं दूसरी क्लास के लिए। 5 मिनट का ब्रेक मिला है, बहुत मज़ा आया पहले दिन तो ऑफलाइन मोड में। अभी भागते दूसरी क्लास के लिए और फिर जाएंगे कुछ खाने पीने। जज्बात में खो लेना, ओ मेरी हेर, ओ ना खफा, ओ मेरी हेर, जलना रुला ना कर आफरा। तो अभी मैं लाइब्रेरी में था तो यहाँ पे सारी मैं बुक्स देख रहा था। जरा बुक्स देखो सारी, मतलब कैसे कैसे नाम है भाई, लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, सारी पढ़ाई की बुक भाई, एक से मतलब नहीं है। कुछ भी पहला पेज खोल लो, कुछ भी लिखा हुआ है भाई, कुछ समझ नहीं आता भाई। मतलब वैसी लाइब्रेरी नहीं है क्या यहाँ पे, मतलब ऐसे सुपंडी वो पंडी टिंकल मिल जाए और फिर मतलब उसमें मस्त मस्त ऐसे कॉमिक्स मिल जाए, सारी पढ़ाई से रिलेटेड। ये देखो क्या है, क्या लिखा है, नेगोशिएशन जीनियस। भाई बोल भी नहीं पा रहा मैं तो भाई, अलग ही है ये लाइब्रेरी से पढ़ने वालों की है भाई। ऐसे वो सुपंडी वो पंडी नहीं मिलती यहाँ पे, वरना हम तो बस लाइब्रेरी आते हैं कॉमिक पढ़ने। अंधियारी कारी रातें कर दे तो पूरे मक्की उजे यारे जान मेरे, फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फादिल लगे रंग सारे प्राण मेरे। अंधियारी कारी रातें कर दे तो पूरे मक्की उजे यारे जान मेरे प्राण मेरे। आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान। खा मखा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ साथ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 एंड मैं यहाँ पे बैठा था लेक के पास एंड काफ़ी बढ़िया सी जगह है ये, मतलब आई वुड से बिकॉज यहाँ पे बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है एंड काफ़ी शांत सी जगह है। एंड ये हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स के पीछे है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। एंड मैं दिखाता हूँ कैसी लगती है, ये देखिए जैसे छोटी सी लेक है बट है काफ़ी काफ़ी सुंदर है। मतलब शाम के टाइम तो इतने यहाँ पे बर्ड्स और वो आ जाते हैं, तो बहुत ही पीसफुल सा है यहाँ पे। लोग आके राइट साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं एंड शाम का टाइम इन्जॉय करते हैं। उसके बाद तो क्योंकि मच्छर वच्छर हो जाते तो इतना कोई आता नहीं है, बट ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन SNU दैट आई वुड रिकमेंड anyone once he or she comes on the campus is this beautiful lake. पिछले व्लॉग में मैंने ISC नहीं दिखाया था, तो इस व्लॉग में आई शो यू दैट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। एक बार वहाँ पे जाऊँगा तो मैं सारा दिखाऊँगा, मतलब इट्स अ 2-story स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड आई शो यू व्हाट एल्स इज़ देयर इनसाइड। मैंने इसके वो लगाए हुए हैं क्योंकि बास्केटबॉल मोस्टली बाहर ही होता है, जो पहले दिखाया था फर्स्ट व्लॉग में, वहाँ पे बैडमिंटन की प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पे बेसिकली टीम प्रैक्टिस ही चलती है। एंड जो ऊपर वाला एरिया है ये है अपना इंडोर रनिंग ट्रैक, यहाँ पे भाग भाग सकते हैं एंड इसके ऊपर जिम है। तो यहाँ पे अंदर ISC के अंदर टेबल टेनिस कह रहा हूँ, 8-ball पूल का भी सिस्टम है। यहाँ पे स्लॉट बुक करके हम पूल वूल भी खेल सकते हैं। और अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पे बेसिकली टाइकोंडो और बॉक्सिंग का होता है एंड ये आगे की तरफ यहाँ पे चेस खेलते हैं लोग, चेस का अरेना है अंदर, चेस पेस के लिए बोर्ड्स लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी कोई चेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, मतलब अपने कॉलेज का कोई कॉम्पिटिशन है, इसकी ट्रॉफीज वोफीज पड़ी है एंड पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ ही खेलते हैं भाई। मतलब यहाँ पे अपना अंदर की तरफ जिम है, इसके हमें स्लॉट बुक करने पड़ते हैं संडे के संडे, तो 3 दिन के लिए आप आ सकते हो अल्टरनेट डेज पे, 45 मिनट्स का स्लॉट। थोड़ा बेकार सा सिस्टम है बट ठीक है, सबके लिए ऐसी मैनेज होगा कोविड टाइम्स में। एंड बाकी ये जो मैंने दिखाया था ये नीचे से बास्केटबॉल और
बैडमिंटन के जो कोर्ट्स हैं, एंड ये ऊपर ही जो आप देख रहे हो पूरा ये रनिंग ट्रैक है। तो मैं भी आने का कपड़े धोने, ये भी बड़ा मस्त प्रोसेस है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी हुई है, हम कपड़े डल जाएंगे एंड इसमें कपड़े डालेंगे, जो वॉशिंग मशीन है इनका काम है। अभी दिखाता हूँ मैं सब क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देखो मैंने कपड़े डाल दिए अपने, एंड यहाँ से बस इसको ऑन करना है, यहाँ से पानी आएगा। ये है टाइमर कितने टाइम के लिए, ये है कितने फोर्स पे इसको चलाना है, एंड इसमें पाउडर डालेंगे, एंड फिर जूम 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 राउंड एंड राउंड घूमेगा। अभी जब पानी भरता है उसके बाद में दिखाते हैं कैसा लगता है। ऐसा कुछ दिखता है पाउडर डालने के बाद, फुल झाग वाग बनी हुई है एंड इट गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। फिर जब इसको ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको ड्रिंक करेंगे, ये भी ड्रिंक वाला ऑप्शन है, एंड एक बार फिर से चलेंगे ताकि सर पर निकल जाए, एंड उसके बाद डालेंगे स्पिन। इसमें मस्त एकदम सूख जाते हैं कपड़े एकदम, मतलब क्या बताऊँ, मतलब सीधा पहन सकते हो, ऐसे गीले भी नहीं होते। मैं नहीं मजाक करता हूँ, सुखाने पड़ते थोड़े, बट इससे काफ़ी बढ़िया सूख जाता है, तो अभी वो भी दिखाता हूँ। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, जो मारी राम साथ सांस लेता गया। इसमें से कपड़े निकाल के इसमें डाल दें, इसमें स्पिन कर लें, इसको बंद किया, हो गया बंद अच्छे से। उसको ऑन करेंगे 2 मिनट पे, अपने मस्त अभी आराम से सोचेंगे, और बाकी के उनको भी करेंगे अलग से, इसमें ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते हैं, ख़राब हो जाएगी मशीन, सो उसका भी ध्यान रखेंगे। सो ग्रेट सक्सेस। तो अभी आज हमें संडे है, आज संडे को डीजे नाइट रखे कॉलेज वालों ने, काफ़ी चिल सीन्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, यहाँ पे पूरा सेटअप है ओपन फील्ड में, एंड काफ़ी मस्त वाइब है, सब डांस वांस कर रहे हैं, गाने वाने बज रहे हैं। बज रहे हैं सुबह के 9:40, आज है ट्यूसडे, एंड एक क्लास है 10 से 12, उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं घर जाऊंगा, उसकी भी अलग ही एक्साइटमेंट है मेरे को। एंड जब घर पहुंच जाएंगे तो वही अपना चिल करेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। ऑल सेट टू गो, क्लासेस ख़त्म, दोस्तों से मिल लिए, अब जाएंगे घर, कैब वैब बुक करेंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा गेट तक, बहुत बड़ी वॉक है, चलते हैं कैब में बैठते हैं और फिर ऑफ टू घर, लेट्स गो। फाइनली 1 घंटे बाद पहुंच गया घर, एंड यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसको अगर पसंद आया होगा तो डू लाइक इट, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कॉमेंट्स में बताना ज़रूर कैसा लगा ब्लॉग, एंड मतलब सब्सक्राइब कर देना यार, अच्छा लगता है। एंड एट द एंड एक और बात, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, सब अच्छे से खेलना होली, मतलब सेफ होली खेलना, प्रॉस्पेरस होली खेलना, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी 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 होली। तो अभी घर आ गए, अभी रेस्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। पानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूने में।